गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास क्लास 7। बेटे जिमें कि असी लास्ट लैक्चर डिस्कस किया अपना टॉपिक यूजिंग टैक्स डाटा, तो टैक्स डाटा ने यूज करके असी उपर कि फंक्शन जो परफॉर्म कर सकते हैं। सो टूडेज आवर टॉपिक इज यूजिंग ऑटोसम। असी अपनी एक्सल वर्कशीट के ऑटोसम किवें यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोसम की होंगे है, जो असी रो एंड कॉलम दी वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं एंड वो रिजल्ट भी सानू जो क्विकली चाहिए होंगे है एट ए टाइम पर, दैन उस टाइम असं की यूज़ करते हैं ऑटोसम। इहदे नाल की होंगे कि सानू रिजल्ट जिहड़ा आ बहुत फास्ट मिलता है रो एंड कॉलम दी वैल्यूज का। दैन की है कि ऑटोसम बटन जिहड़ा आ कित्थे प्रेजेंट हुंदा, कित्थे असी इहनू यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो असी होम टैब पर जावांगे, होम टैब के अंडर एडिटिंग ग्रुप पर जावे, एडिटिंग ग्रुप के जाके सानू ऑटोसम बटन जो शो हो जाएगा, जिम्मे तुम डायग्राम में शो करवाया जा रहा है इवें का सिंबल वह शो होगा, उत्ते जाके क्लिक करांगे। दैन वो जे फंक्शन असं यूज कर सकते हैं, लाइक वे सम फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जे मैक्सिमम वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैन सैकेंड वे की ऑटोसम बटन फाइंड आउट करन दा, रिबन टैब पर जावे, रिबन तो बाद असं फॉर्मूलाज टैब पर जावे, उस तो बाद फंक्शन लाइब्रेरी के अंडर सानू ऑटोसम बटन जिहड़ा वो मिल जाएगा, उत्थे जाके क्लिक करांगे। दैन इहनू असी अपनी एक्सल की वर्कशीट के यूज़ कर सकते हैं सम एंड एवरेज में फाइंड आउट करने के। सो ऑटोसम के अंडर कुछ फंक्शन आते हैं, फर्स्ट वन इज सम फंक्शन। सो फर्स्ट ने इस डिस्कस करते हैं यूजिंग सम फंक्शन कि असं सम फंक्शन यूज करके किवें उहदा सम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज का। फर्स्ट ऑफ ऑल जिमें कि असी अपनी जी एक्सल की वर्कशीट आ जाके जो डाटा आ वो टाइप करांगे। दैन डाटा टाइप करने तो बाद जो सैट आ जिदे उपर असी अपना सम फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने जाके सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक डायग्राम के सिलेक्ट किया आ B2 एंड C2 दो सैल असी सिलेक्ट कर ले, दैन वो वाला सैल भी सिलेक्ट कर लिया जिदे असी चाहते हैं कि साडा रिजल्ट डिस्प्ले हो। रिजल्ट कि सैल के डिस्प्ले होएगा डी सैल एंड सैकेंड रो, इट मीनस D2 सैल के रिजल्ट जोड़ा सानू शो होगा। उस तो बाद असं की करेंगे सैकेंड स्टैप होम टैब पर जावे, होम टैब के बाद एडिटिंग ग्रुप, दैन वो अंडर जाके ऑटोसम के अंडर सानू सम फंक्शन मिल जाएगा, उत्ते जाके सिंपली उन्हें की कर देंगे क्लिक कर देंगे। दैन थर्ड स्टैप के असी फॉर्मूला टाइप करांगे, फॉर्मूला टाइप करना है जिहड़ा असी सैल सिलेक्ट किया होया कि जिहदे विच सानू रिजल्ट चाहिए आ उन्हां वैल्यूज़ का। फॉर्मूला टाइप किया असी इक्वल्स टू, जिवें कि तुहानू दस्सिया गया कि जिहड़ा फॉर्मूला हमेशा किहदे नाल स्टार्ट हुंदा आ इक्वल्स टू दे साइन नाल, इक्वल्स टू सम दैन B2 C2। सम किहदा फाइंड आउट करना है B2 सैल एंड C2 का, B2 मीनस बी मीनस बी कॉलम एंड 2 सैकेंड रो एंड सी कॉलम एंड सैकेंड रो, इन्होंने दोनों का असं सम फाइंड आउट करना है। दैन उस तो बाद की करांगे, फॉर्मूला अप्लाई करने तो बाद एंटर की प्रेस कर देंगे, एंटर की प्रेस करने तो बाद जिहड़ा सानू रिजल्ट आ वो साढ़े B2 कॉलम के शो हो जाएगा। रिजल्ट की होएगा 158, इट मीनस B2 एंड C2 का एडिशन करके जो भी सम है वो सानू साढ़े D2 कॉलम के शो हो जाएगा। ठीक है, अगर जिमें नैक्सल स्टैप के गेयर से फर्दर होर सैल्स के यही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, दैन सिंपली कई करांगे फॉर्मूला ड्रैग कर लेंगे नैक्सट सैल्स के उपर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये साडा जिहड़ा टाइम सेव हो जाएगा। इवें स्टैप फॉलो करके असी जिहड़ा अपने सैल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड रिजल्ट सिंपली सानू एंटर की प्रेस करांगे, फॉर्मूला अप्लाई करने तो बाद सिंपली सानू साडे सामने रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, कल असी जिहड़ा नैक्सट फंक्शन है उन्होंने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।